बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं, एक्सएल इक्वल टू एक्स की होता है, ठीक है, हम बोल सकते हैं रेजोनेंस में जेड मिनिमम होता है, हम बोल सकते हैं रेजोनेंस में आई मैक्सिमम हो सकता है, हम बोल सकते हैं पावर मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है, हम यहाँ से भी बोल सकते थे ओमेगा नॉट हो सकता है 1/√LC के, ठीक है, हम रेजोनेंस में बोल सकते हैं वोल्टेज एम्पलीफिकेशन हो सकता है, ठीक है, रेजोनेंस को बहुत तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब तुमको समझ में आना चाहिए जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, उसमें से तुमको कोई भी अगर लैंग्वेज यहाँ पर अगर ऐसी यूज की जाए ना, तो तुम वहां पे पकड़ सकते हो कि वहां पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। इसको ना शॉर्ट में लिख लो, पड़ता है रेजोनेंस कंडीशन। ग्राफ सब इसके इम्पोर्टेंट है, सब पढ़ जाना। तब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मुझे लगता है एक टॉपिक ही और उसके बाद ट्रांसफार्मर, उसके बाद ये अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। अभी हम पढ़ेंगे चोक पॉइंट। चोक कॉइल की अगर हम बात करें ना, तो चोक कॉइल क्या होता है, देखो हम लोग जो वोल्टेज घर पे यूज करते हैं ना, वो 220 वोल्ट का यूज करते हैं, लेकिन याद रखना कि जो हम लोग ट्यूबलाइट जो जलाते हैं उसका जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट होता है 220 वोल्ट से बहुत कम होता है। अब अगर हमने 220 वोल्ट अगर ट्यूबलाइट को सप्लाई की ना, तो उसका वो क्या होगा, पूरा पूरा वो काम करना बंद हो जाएगी, वो डैमेज हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, वोल्टेज कम, अब हमारे पास वोल्टेज ज्यादा आ रहा है तो हमको वोल्टेज कम करना है, ठीक है। तो वोल्टेज कम करने का एक तरीका क्या है कि हमने क्या किया, हमारे पास मान लो जैसे बल्ब है, तो हमने सोचा कि वोल्टेज कम करना, तो एक रेजिस्टेंस लगा दो इसके साथ, घर पे तो एसी आता है, एसी के लिए हम ऐसा बना देंगे। अब जब हमने ऐसा बना दिया सर्किट को, तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, इस सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, इंक्रीजेस, तो करंट विल रिड्यूस, आई विल रिड्यूस, करंट क्या होगा, कम हो जाएगा। करंट अगर कम हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑब्वियस ही बात है ये बल्ब का जो भी रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, मौला, ठीक है, तो वोल्टेज भी कम हो जाएगा, आई आर विल रिड्यूस, ठीक है। अभी सीरीज में जोड़ा तो यहाँ पे बल्ब क्या होगा, अगर ये वोल्टेज नहीं सहन कर सकता है, ट्यूबलाइट नहीं सहन कर सकती है, तो फिर उसके पास वोल्टेज क्या होगा, वो कम हो जाएगा, और हमको जितनी रिक्वायर्ड वोल्टेज हम उसको दे सकते हैं ये रेजिस्टेंस लगाकर। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि अगर हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया ना, तो ये जो हमने भले यहाँ पे कम वोल्टेज दी, लेकिन हमारा क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी का वेस्टेज होगा। एनर्जी का वेस्टेज क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस। यहाँ तो कोई इंडक्टर इंडक्टर कुछ लगा नहीं है, तो कॉस पर यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉस पर यहाँ पे हो जाएगा 1, जब एल और सी है ही नहीं, तो कॉस पर क्या होगा, यहाँ पे आर पर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक्सएल एक्सी दोनों 0 है, तो 1 बचेगा, तो एनर्जी वेस्टेज क्या हो जाएगा, वी आर एम एस इंटू आई आर। देखो हमारा वोल्टेज कम होने का पर्पज तो फिलअप हो गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि रेजिस्टेंस हमारी क्या करेगा, एनर्जी को खा जाएगा, और एनर्जी खाने की वजह से क्या होगा, हमको हमारा बिल ज्यादा आएगा, तो हमको ये वाला बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये हमने बोला कि नहीं, ये काम तो कर रहा है वोल्टेज कम करने का, लेकिन हमारे फायदे की चीज नहीं, बिकॉज इससे हमारा एनर्जी का वेस्टेज। तो बोला गया कि इसका एक अलग तरीका सजेस्ट किया गया, वो अलग तरीका क्या सजेस्ट किया गया, देखो हमने यहाँ पे एक नई डिवाइस बनाई चोक कॉइल। वो चोक कॉइल में हमने क्या किया, जैसे मान लो हमारे पास बल्ब है, हमने अपने रेजिस्टर नहीं लगा करके, हमने यहाँ पे एक इंडक्टर लगा, ठीक है, तो हमने यहाँ पे इंडक्टर लगा दिया, क्या होगा, देखो
तो मैं पहले लिख देता हूँ चोक कॉइल क्या होता है। चोक कॉइल इज एन इंडक्टर विथ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, मतलब ये चोक कॉइल है, ठीक है। इसके पास ये इंडक्टर है, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, और जितना तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा। आइडियल चोक कॉइल अगर होगा ना तो उसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल में थोड़ा रेजिस्टेंस होता है, इसे लिखते हुए नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। और अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे हमने इसको कनेक्ट किया ना, अब क्या होगा, नाउ इसका रेजिस्टेंस मान लो हमारा था मोलर का, नाउ इंपीडेंस ऑफ सर्किट, इंपीडेंस ऑफ सर्किट तो जगह रूट ओवर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस एकदम नेगलिजिबल है तो उसको हटा दो, ये हमारा इसका इंपीडेंस हो जाएगा, होता ना कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, तो एक्सी तो यहाँ पे है ही नहीं, तो इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, इसका रेजिस्टेंस आर है, तो सर्किट का क्या होगा, देयरफॉर ड्यू टू इंक्रीज इंपीडेंस, इंपीडेंस बढ़ गया, करंट इन सर्किट इंक्रीजेस, ठीक है, सर्किट में करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, देयरफॉर वोल्टेज अक्रॉस बल्ब, ठीक है। देखो ये काम हमारा रेजिस्टर भी कर रहा था, ठीक है, वो भी वोल्टेज डिक्रीज कर रहा था, ये भी वोल्टेज डिक्रीज कर रहा है, मैंने यहाँ पे लिखा वोल्टेज गेट डिक्रीज, ठीक है, ये करंट क्या होती है, वो डिक्रीज कर जाती है, सीधी सी बात है, करंट पहले कितनी थी, करंट पहले थी v बाय r, ठीक है, अभी करंट कितनी हो जाएगी, करंट न्यू कितनी हो जाएगी, अब v बाय z हो जाएगी, यहाँ पे ये z हो गया ना, अभी बढ़ा है तो अभी समझते नई करंट कम हो जाएगी, नई करंट कम हो जाएगी या इसके अक्रॉस वोल्टेज भी क्या होगा, वो कम हो जाएगा, आई क्यू आर कम हो जाएगा ना, ठीक है। अब बात आती है पावर लॉस, देखो ये तो पुराना वाला सर्किट भी करा था, लेकिन यहाँ पे क्या लॉस हो रहा है एनर्जी का, तो आंसर है एनर्जी का लॉस यहाँ बहुत कम होता है, कैसे देखो, एनर्जी लॉस इन इंडक्टर इक्वल्स टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। अब देखो तो इंडक्टर के लिए कॉस फाई कितना था, इंडक्टर के लिए कॉस फाई था जीरो, क्योंकि इंडक्टर के लिए अगर हम बात करें तो कॉस फाई था आर बाय जेड होता है, अब इंडक्टर के लिए क्या होता है, आर तो जीरो हो जाता है ना, ठीक है, अब जेड में तुम पुट कर दो अगर नीचे में एक्स है तो क्या होगा, जीरो ही आएगा, तो ये होता है कॉस फाई इक्वल्स टू वी आर एम एस इंटू कॉस फाई विच इज वेरी नियर टू जीरो, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला कुछ रेजिस्टेंस इसका होता है प्रैक्टिकल में देखा जाए, ठीक है, तो विच इज वेरी लेस, तो इसके अप्रोक्सीमेट लॉस कितना हो जाता है जीरो, यहाँ पे एनर्जी का लॉस नहीं होगा, अगर एनर्जी का वोल्टेज भी कम हो गया एनर्जी का लॉस भी नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैं बताओ तुम्हारे घर में तुम रियोस्टेट यूज करते हो, रियोस्टेट भी क्या करता है, थोड़ा ऐसा ही वर्किंग करता है ना, लेकिन रियोस्टेट में क्या होता है, जो पंखे वाला रियोस्टेट होता है उसमें एनर्जी का लॉस ज्यादा होता है, अच्छे वाले अगर देखे जाना चोक कॉइल्स, ठीक है, जो पंखे में वो थोड़े महंगे आते हैं, और ट्यूबलाइट में तो हम यही यूज करते हैं, चोक कॉइल यूज करते हैं वो प्योर इंडक्टर, क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे दूसरी बात देखो कि चलो ये तो हमने समझ लिया कि यहाँ पे एनर्जी का लॉस नहीं होगा, तो क्या एनर्जी का लॉस बिल्कुल नहीं होगा, तो ऐसा नहीं, एनर्जी का लॉस थोड़ा सा होता है, और क्यों होता है देखो, अगर हम वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस से देखा जाए तो एनर्जी का लॉस नहीं होगा, लेकिन अब देखो अगर हमको ये कॉइल का हम कैसा चाहते हैं, इंडक्टर जिसका एक्सएल कैसा हो, बड़ा हो, ठीक है, तो एक्सएल बड़ा कैसे कर सकते ताकि इसका इंडक्टेंस, क्योंकि वायर है ना, वायर का तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, हम चाहते हैं कि नहीं इसका इंडक्टेंस बहुत बड़ा हो, ठीक है, इसका एक्सएल बहुत बड़ा हो, तो हम क्या ले सकते, टू इंक्रीज एक्सएल
वी पुट आयरन रॉड इन इट। हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसा आयरन रॉड डाल देते हैं ताकि यहाँ पे क्या हो जाए, इसका इंडक्टेंस बढ़ा। However, in practical situation, there is energy loss due to पहला hysteresis। hysteresis word ना तुम लोगों ने शायद पढ़ा नहीं होगा क्योंकि ये magnetic दूसरे chapter में था क्योंकि शायद अभी syllabus हट गया है। हिस्टेरेसिस का मतलब होता है लॉस ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। ठीक है, मतलब ये जो आयरन होता है ना, ये पहले मैग्नेटाइज होता है तो उसमें एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर जाती है मैग्नेटिक एनर्जी में। फिर वो जब वो डीमैग्नेटाइज होता है ना तो वो मैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो पहले क्या था, मान लो इलेक्ट्रिकल थी 100, कन्वर्ट हो गया मैग्नेटिक में 80। ठीक है, अभी क्या होगा, वो 80 क्या हो जाए, वो मैग्नेट 100 कन्वर्ट हो जाता है मैग्नेटिक में 100। अभी मैग्नेटिक जब इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होता है तो 80 में होता है, तो 20 एनर्जी क्या होती है, लॉस हो जाती है। ठीक है, तो वो लॉस होता है यहाँ पे। और दूसरा लॉस कैसा होता है, लॉस ड्यू टू एडी करेंट। एडी करंट इसके अंदर फ्लो करती है जिससे कि इसका हीटिंग इफेक्ट होता है। लेकिन ये दोनों लॉस अगर तुम देखो ना तो वो वी आर एम एस इंटू जो रेजिस्टर वाला, प्योर रेजिस्टर वाला जो था ना, उस लॉस के सामने ये दोनों लॉस बहुत कम हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एनर्जी के लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा लॉस तो इसका भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस होगा तो वहां थोड़ा सा भी होता है। लेकिन तुम तीनों लॉस को भी अगर ऐड कर दो ना तो अकेले रेजिस्टर का लॉस होता है बहुत बड़ा होता है। ठीक है, उसके सामने ये लॉस बहुत छोटे होते हैं। अब हम लोग 100% कोई भी चीज एफिशिएंट तो बना ही नहीं सकते। ठीक है, तो हम ये वाला मेथड को फॉलो करते हैं, दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रोक कॉइल। ठीक है, स्ट्रोक कॉइल क्या होता है, स्ट्रोक कॉइल इज सिंपल इंडक्टर विद नेगलिजिबल रेजिस्टेंस। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ स्ट्रोक कॉइल, स्ट्रोक कॉइल रिड्यूसेस द वोल्टेज अक्रॉस द इक्विपमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, बाय मिनिमाइजिंग द एनर्जी लॉस। ठीक है, हमारा चोक कॉल गया क्योंकि अब नेक्स्ट क्लास में जो है ना हम लोग खाली पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर, और उसके बाद इसके थोड़े से क्वेश्चंस कर लेंगे हम लोग, ये चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। अभी जितना एसी चैप्टर जैसे खत्म हो जाएगा, ठीक है, इसके भी तुम लोग क्या कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिज्म का टेस्ट हो चुका होगा, हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का तुम लोग तैयारी चालू कर देना। ठीक है, उसकी मैं टेस्ट लूंगा। ठीक है, मैं अभी क्लास एंड कर रहा हूँ। ठीक है, कल फिर हम लोग बोलेंगे, कल मैं चैप्टर खत्म कर दूंगा। चलो बाय।